आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पुलिस की आवाज और मैं हूं आपके साथ शालिनी पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पति सहित चार के खिलाफ विवाहिता पर जानलेवा हमला करने का मुकदमा दर्ज। एक विवाहिता ने अपने पति सहित सास, ससुर और जेठ पर अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर जहर देकर हत्या करने के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता के परिजनों ने आरोपी ससुराल पक्ष के लोगों की गिरफ्तारी किए जाने की मांग की है। कोतवाल ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। बता दें कि गांव टिटौड़ा निवासी ज्योति पुत्री हरेंद्र कुमार ने थाने में दी तहरीर में बताया कि उसकी शादी 19 अप्रैल 2019 को आंसू पुत्र बिल्लू निवासी अंतवाड़ा के साथ हुई थी। उसके पिता ने शादी समारोह में 11 लाख रुपए लगाए थे। पीड़िता का आरोप है कि उसका पति आंसू, ससुर बिल्लू, सास गीता, जेठ अतुल उससे अतिरिक्त दहेज की मांग करते थे। मांग पूरी न होने पर उसे यातनाएं दी जाती थी। विवाहिता ने अपने पति के दूसरी स्त्री के साथ पकड़ लिया था, जिसके बाद उसकी ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट करते हुए जबरन जहर दिया और उसे दौराला के पास कार से फेंक आए। राहगीरों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराते हुए परिजनों को सूचना दी थी। सूचना के बाद परिजन उसके पास पहुंचे। पीड़ित विवाहिता की तहरीर पर उसके पति, सास, ससुर, जेठ पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया। पीड़िता के परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। नाम हरेंद्र है जी। हरेंद्र, क्या मामला हुआ आज थाने पर आना हुआ? सर, ये हमारी जो बेटिया है, इसको इसके ससुरालों ने मार पीट करके जहर दे दिया था और उसको भी बहुत पत्ता भी नहीं करे थे। अब तुम ये नहीं दिया, तुम्हारे घर को ना वो नहीं दिया, और इसको जो इसके बार बार इसको वो करे थे। जब से इसका लड़का पैदा हुआ था जी, तो वे छू सक में मोटरसाइकिल और पैसा मांगे थे 1.5 लाख रुपये। अगर मैं बोले कि मोटरसाइकिल दे वो थे, इसने बोली मेरे पिताजी ने पता नहीं कैसे कैसे मेरी नौकरी करी, मुझे मेरी शादी करी और मेरी नौकरी के लिए मुझे पढ़ा रहे लिखा रहे, तो मैं क्या कर सकूँ इसमें जी। तो इसको मार पीट कर इसको जहर दे के जी वहाँ अस्पताल में दौराले में बघेल के भाग गए थे। तो अब पुलिस में शिकायत की आपने? हाँ, पुलिस में शिकायत कर दी थी हमने जी। उस दिन बयान लेते बच्ची के थी। क्या कार्रवाई करी? तो इन्होंने कोई कार्रवाई और उल्टे दरों को जो है हमें बार बार धमका में धमकी दे। मैं क्या कहते हैं, मैं आज सुबह के टाइम आया, मगर जी उन्हें अरेस्ट करो, मैं उनके घर से आया हूँ। तो कल दरोगा जी ने फोन पे गया, उन्होंने कहा मैं वहाँ गया था तभी चीज मैंने। दरोगा जी ने वो काम वहाँ पे करा नहीं जी। फिर गांव वाले बोले यहाँ कोई पुलिस आई। क्या क्या दबाव क्या देते हैं? और जो दरोगा जी कहने का तुम फैसला कर लो, फैसला कर लो। बार बार मुझको जी, मैं मंडी में जाके मिला, मैं यहाँ भी आया। आज थाने पर आना हुआ? आज क्या बात हुई आपकी? आज थाने पर इंस्पेक्टर साहब आए जी, कह रहे हम आज के बाद वो करेंगे जी।